आज आजम खान से मिल सकते हैं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जेल में जाकर कर सकते हैं मुलाकात। शिवपाल यादव और प्रमोद कृष्णम पहले कर चुके हैं मुलाकात। सपा विधायक आजम खां की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। शत्रु संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आजम खां के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 16 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। शासन स्तर के अधिकारियों के बदले गए विभाग। संजीव मित्तल राजस्व परिषद के चेयरमैन बने। 3 मई से होगी चारधाम यात्रा की शुरुआत। इससे पहले भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली ऊखी मठ से केदारनाथ के लिए होगी रवाना। भगवान केदार की विधि विधान से होगी पूजा। आज चारधाम यात्रा को लेकर उपलब्ध कराई जा रही है स्वास्थ्य सेवाओं का फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम धामी। साथ ही जंगलों की आग की रोकथाम के संबंध में सचिवालय में होगी समीक्षा बैठक। चमोली के दौरे पर रहेंगे राज्यपाल गुरमीत सिंह। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी मेंबर्स के साथ भी मीटिंग करेंगे। स्वयं सहायता समूह के लोगों से भी मुलाकात होगी। देश भर में 3 मई को मनाया जाएगा ईद का त्यौहार। लखनऊ में मरकजी कमेटी ने 3 मई को ईद मनाने का ऐलान किया। 3 को ही सुबह 10 बजे ईदगाह में पढ़ी जाएगी नमाज। बढ़ती गर्मी के बीच यूपी के लोगों को मिल सकती है थोड़ी राहत। मौसम विभाग ने आज बारिश की जताई संभावना। कल भी देर रात कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। यूपी 112 इमरजेंसी सेवा से यूपीडा 1033, ईडा 1070 और आपदा 1077 हेल्पलाइन नंबर को भी जोड़ा गया। 3600 करोड़ रुपए खर्च कर यूपी 112 को अपग्रेड किया जाएगा। 1300 चार पहिया और 500 दो पहिया वाहनों को भी जोड़ा जाएगा। नोएडा के सेक्टर 150 स्थित जेपी अमन सोसाइटी में चले लाठी डंडे। दो पक्षों में जमकर मारपीट। सीसीटीवी में कैद घटना। सोसाइटी के लेआउट प्लान को बदलने को लेकर यह भिड़ंत हुई। फॉर्म में हस्ताक्षर कराने को लेकर एक टावर के प्रतिनिधि से दूसरे टावर के लोगों ने विवाद किया। थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र का पूरा मामला। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में दबंगों ने मारपीट कर छात्र को घायल कर दिया। छात्र के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गलश श्री थाना क्षेत्र के बुद्धों के चौराहों का रहने वाला है पीड़ित। शनिवार को ऊंचा गांव में प्रैक्टिकल की परीक्षा देने के लिए जा रहा था कॉलेज। झांसी के कस्बा बरुआ सागर थाना क्षेत्र में एक शिकायत की जांच करने गए कस्बा इंचार्ज दरोगा पवन जायसवाल एक महिला के बीच सड़क पर सरेआम दंगल हुआ। काफी देर तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई।